बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि मिगलानी, योर लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शंस की फॉर द कमिंग वीक, जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त को और खत्म हुआ 28 अगस्त को। और हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस थ्रू मून ज़ोडियक साइंस एंड वेरियस प्रेडिक्शन, वेरियस ज़ोडियक साइंस की बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टिल पाइसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरीज की, एरीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेल्थ फॉर एरीज, मेष राशि के लिए। हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू आ सकता है आपका कमिंग वीक में, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट अगर करियर की बात करें, करियर में थोड़ा सा फोकस कम दिख रहा है आपको, एडवाइजेबल है थोड़ा सा फोकस आप ज़्यादा रखें। और अगर फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सो ओवरऑल आपके लिए एक जनरल एस्ट्रो टिप है कि आप जब भी सुबह उठें, आप सुबह उठ के ग्रीन छोटी इलायची ज़रूर खाइए, आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो गॉड अप हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आएंगे टॉरस पे, यानी कि वृष राशि पे। वृष राशि के रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ में कुछ छोटे मोटे इश्यूज दिखा रहा है कोई, हो सकता है आपने किसी पे विश्वास किया और आपको मेंटल स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम, फिजिकल इलनेस नहीं दिखा रहा है इतना जितना मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है। करियर की अगर बात करें टॉरस के लिए, तो करियर में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी है, आप अपना करियर में वर्क प्लेस पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी आपको जो सक्सेस ग्राफ है, जो आपका करियर ग्राफ है वो बहुत ऊंचा जा रहा है। नेक्स्ट लेट अस चेक फॉर फाइनेंसिस, फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेक श्योर आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा कट डाउन कीजिए, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, जो प्रायोरिटी है वही खर्चा कीजिए, जो प्रायोरिटी नहीं है उस खर्चे को अभी होल्ड कीजिए। आपके लिए एक छोटी सी एस्ट्रो टिप है, अपने घर में एक रॉक सॉल्ट लैंप जरूर जलाएं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट लेट अस कम टू द जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि के लिए। रिलेशनशिप्स की बात करें, मिथुन राशि के लिए रिलेशनशिप्स में लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप ओवरबर्डनड हैं किसी चीज से, यू आर स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ समथिंग। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू आर नॉट एबल टू फेस देम, आप उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, रादर आप इग्नोर कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। तो आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपनी कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रूल आउट कीजिए, उनको ट्रीट कीजिए और प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। अगर हम करियर की बात करें जेमिनी के लिए, करियर विल बी वेरी गुड, वेरी स्टेबल, नो प्रॉब्लम्स इन द करियर। और अगर फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस आर यू गोइंग टू लिव द लाइफ ऑफ अ किंग, फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो ऑफ इनकम रेगुलर बना रहेगा। और आपके लिए एस्ट्रो टिप है, आप अपने घर में एक मिर्ची और एक नींबू का प्लांट जरूर लगाएं, इससे जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वार्ड ऑफ होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि के रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके कमिंग वीक में हमें बनी रहेंगी, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी, और दिस कमिंग वीक इज गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड वीक फॉर बोथ ऑफ यू। अगर हम हेल्थ की बात करें कैंसर की, हेल्थ इज ऑल्सो एट इट्स बेस्ट, नो इशूज इन द कमिंग वीक। और अगर हम बात करें करियर की, करियर में भी अगर आपके बॉस, आपके सीनियर जो आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंसिस की, फाइनेंसिस में इतना पैसा आपके पास है दैट यू आर नॉट एबल, द वट एवर अमाउंट यू हैव इज, यू आर नॉट जस्ट सेल्फ सफिशियंट विद दैट, बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स। इट मीन्स आपके पास पैसा एक्सेस में है और कमिंग वीक में, सो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज, सम मॉनिटरी अपलिफ्टमेंट, सम मॉनिटरी ग्रोथ, समथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस गोइंग टू हैपन, इन विच बिकॉज ऑफ विच यू विल हैव लॉट ऑफ फाइनेंसिस इन द कमिंग वीक। सो मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो एस्ट्रो टिप फॉर दिस इज, अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक टैप लगाएं या एक वाटर फाउंटेन लगाएं ताकि आपका जो फाइनेंसिस का फ्लो है वो बना रहे। नेक्स्ट लेट अस कम टू लियो, दैट इज द सिंह राशि। सिंह राशि के अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, रिलेशनशिप्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है कमिंग वीक में, हो सकता है जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन पर वर्कआउट कीजिए, उन पर देखिए क्या रूट कॉज है और उनको बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द हेल्थ फॉर वर्गो, सॉरी फॉर लियो। हेल्थ में कुछ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिखा रहा है एंड प्लस यू आर इग्नोरिंग दीज प्रॉब्लम्स, आप उसे छोटी प्रॉब्लम सोच के इग्नोर नहीं कीजिएगा, इट यू नेवर नो व्हाट टर्न इट टेक्स, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप
कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट, अगर हम करियर की बात करें, लियो के लिए करियर में बहुत स्टेबिलिटी है, आपकी बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है और आप बहुत राइज करेंगे। करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है कमिंग वीक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गो की यानी कन्या राशि के रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स बहुत ही बढ़िया जाएंगे कमिंग वीक में। अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ भी अपनी जगह बेस्ट है। जो भी आपने अपने फिटनेस रिजाइम है आपका, उसको मेंटेन रखिए और देखिए आपकी हेल्थ आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर करियर की बात करें, प्लानिंग्स बहुत अच्छी हैं, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमी है। अगर अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे आप अपने करियर में तो आपका करियर बहुत ज़्यादा राइज करेगा। फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंसिस बहुत अच्छी जाएंगी। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर वर्गो कन्या राशि के लिए। अब एक छोटी सी टिप है, एक सेवन चक्रा ब्रेसलेट जरूर धारण कीजिएगा इस वीक में, या एक सेवन चक्रा ट्री अपने पास रखिए। आपकी जो स्मूथनेस है लाइफ में वो आगे बनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिब्रा की यानी कि तुला राशि के रिलेशनशिप्स के लिए। तुला राशि के रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे हैं। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है किसी बात को लेके, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिए। उस प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, और देखिए आपकी लाइफ में कितनी स्मूथनेस आ जाती है। अगर करियर की बात करें, करियर इज वेरी गुड, वेरी स्टेबल, नो प्रॉब्लम्स इन करियर ऑल्सो। और अगर फाइनेंसिस की बात करें, वेल आई वुड से फाइनेंसिस में थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है। जहाँ भी आपने स्पेंड करना है थोड़ा सोच समझ के करिए। अपने सीनियर से अब ओपिनियन लीजिए, घर में बड़ों से ओपिनियन लीजिए, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चलिए। अगर कुछ खर्चा करना है तो थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि वेदर उसकी ज़रूरत है भी सही कि नहीं भी खर्चा करने के लिए। और अगर अवॉइडेबल हो तो इस वीक कुछ खर्चा अवॉइड कीजिए। और आपके लिए एस्ट्रो टिप है कि आपने काले और पीली सरसों को अपने मेन एंट्रेंस पर टांगना है किसी काले कपड़े में। इससे आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है फाइनेंसिस की वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स बहुत ही बढ़िया जाएंगे। अगर गॉड फॉरबिड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो किसी सीनियर ने, कोई बड़ा आपके घर में मेल मेंबर अगर उसमें इंडल्ज करना चाहता है तो उनकी बात सुनिए। आपके रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनकी हेल्प से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। अगर हम स्कॉर्पियो की यानी कि वृश्चिक राशि की हेल्थ की बात करें, हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा रहा है। मे बी रिलेशनशिप्स की वजह से ही होगा ये स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जो है आपको और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। आपने डिप्रेस नहीं होना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के सॉल्व कीजिए, एक सल्यूशन निकालिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सल्यूशन ना हो। तो अगर भगवान ने कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दी है तो उसको सल्यूशन भी बनाया है, और आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि उसका सल्यूशन क्या है। और देखिए आप कितना इतने अच्छे तरह से आप इमर्ज करते हैं, इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप जीते हैं। अगर करियर की बात करें स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि की, करियर में कुछ ना कुछ डिसेप्शन दिखा रहा है। तो कि जिस किसी से भी आप बात करें, अपने सीनियर से, अपने कोलीग से, अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा ध्यान से बात करिए कि ये ना हो कि आपने कुछ काम किया और आपका क्रेडिट कोई कोई और ले जाए। तो थोड़ा सा डिसेप्शन दिखा रहा है, सो बी लिटिल केयरफुल एट योर वर्क प्लेस। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी बाउंड्रीज में रहना सीखिए, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। सो ओवरऑल एस्ट्रो टिप फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए है कि अपने वर्क स्टेशन पे एक स्वास्तिक का सिंबल लगाएं। इससे आपकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी वो सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स में कुछ कुछ ऐसा दिखा रहा है कि जैसे आप काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए, बट आपको और थोड़ा सा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम, एनर्जी, अफेक्शन, सो दैट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, वो क्लियर हो जाएं और आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाए वापस। और अगर हम हेल्थ की बात करें सैजिटेरियस की यानी कि धनु राशि के लिए, हेल्थ इज़ परफेक्टली फाइन। जो आपका रेगुलर रजाइम है योगा का, आपका एक्सरसाइजेस का, उसको रेगुलरली कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी स्मूथ रहती है। अगर करियर की बात करें सैजिटेरियस की यानी कि धनु राशि, आप में इतनी पावर है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स आप ओवरपार कर जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, और आपकी लाइफ में जो भी करियर में ऑब्स्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और इन चैलेंजेस को आप इजीली फेस करके स्मूथ आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैजिटेरियस के फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे हैं आपके। जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, आपकी बहुत ही जल्दी विशेष पूरे होने वाली हैं। आपके लिए एस्ट्रो टिप है, आप एक अष्टधातु की बैंगल पहनिए और आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी आगे ज़्यादा और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के यानी कि मकर राशि के रिलेशनशिप्स के लिए।
कुछ कुछ डिसेप्शन दिखा रहा है मकर राशि वालों के लिए कमिंग वीक में। हो सकता है आप में रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिससे आपको इतना डिस्टर्ब है कि रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, तो घबराने की बात नहीं है। एज अर्लियर ऑल्सो से कि आपने अपने रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस पर बैठ के वर्क कीजिए, डिस्कस कीजिए, कामली सोल्यूशन को हैंडल कीजिए और देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी स्मूद आउट हो जाती हैं। अगर हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की हेल्थ की बात करें, हेल्थ में कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। आप कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, बट इतना कंफ्यूजन है, इतनी एम्बिगुइटी है आपकी लाइफ में, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आराम से बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बैठ के डिस्कस करके ही निकल सकता है। घबराने से, स्ट्रेस में आके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हम कैप्रिकॉर्न के करियर की बात करें, करियर में भी थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा है इन सारे स्ट्रेस की वजह से। सो मेक श्योर आपका जो पर्सनल इश्यूज हैं वो करियर में आपके इम्पैक्ट ना करें। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर टू डिफरेंट एंगल्स। अगर आप एक पे एक और दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, तो विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि दोनों इंटरफेयर होंगे और दोनों में प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो मेक श्योर आप करियर पे अपने फोकस रहें, अपने गोल्स पे फोकस रहें, ताकि करियर आपका इम्पैक्ट ना हो। अगर फाइनेंसिस के लिए बात करें कैप्रिकॉर्न के लिए, फाइनेंसिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट स्ट्रेस ज़्यादा रिलेशनशिप्स और करियर को लेकर है, वो अगर सॉल्व हो जाएगा तो फाइनेंसिस का फ्लो अपने आप ही आ जाएगा। आपके लिए एक छोटी सी टिप है, अपनी हैप्पी एक हैप्पी फैमिली फोटो आप अपने बेडरूम में लगाइए और देखिए आपकी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप को लेके या ओवरऑल प्रॉब्लम्स जो हैं कितनी दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेरियस की यानी कि कुंभ राशि के रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स आर वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपको वापस रिप्लाई भी प्यार से मिलेगा। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो आपको जवाब भी गुस्से में ही मिलेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, बट मेक श्योर रिलेशनशिप में स्मूथनेस के लिए आप आराम से प्यार से बात करें, झगड़े से गुस्से में बात ना हो, इरिटेट तो बिल्कुल भी नहीं हो। नेक्स्ट अगर हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ में कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम से पिछले वीक में परेशान थे, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो रही है और इस वीक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अगर करियर की बात करें, एक्वेरियस की कुंभ राशि, करियर में किसी एल्डरली मेल मेंबर की हेल्प से आपको गाइडेंस मिलेगा। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके करियर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर फाइनेंसिस की बात करें एक्वेरियस की यानी कि कुंभ राशि की, आपकी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो क्रंच था, वो ख़त्म होने वाला है और आपका जो कमिंग वीक है ओवरऑल बहुत ही स्मूथ जाएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू इवॉल्व आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो एस्ट्रो टिप आपके लिए है, आप अपने घर में जूट का कोकोनट रखिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर ना कर सके। अगर कोई एंटर करती है तो वो कोकोनट अब्जॉर्ब करे और 6 महीने बाद उस कोकोनट को पानी में बहा दें आप। नेक्स्ट हम पाइसेस यानी कि मीन राशि की बात करेंगे रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स मीन राशि की बहुत ही अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कमिंग वीक में सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बट दैट स्ट्रगल इज़ ओवर, नाउ इज़ अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट। बट इतनी सेलिब्रेशन नहीं किए कि आप कीजिएगा कि फिर आप पे से बीमार पड़ जाएं। सो हेल्थ इन द कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड वन। नेक्स्ट अगर करियर की बात करें हम मीन राशि की पाइसिस के लिए, करियर भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको इस वीक में कोई इंक्रीमेंट लगे, कोई मॉनिटरी बेनिफिट हो, कोई डेजिग्नेशन आपका प्रमोशन हो, कोई और आपको एक्नॉलेजमेंट हो, कोई अपलॉड हो आपके लिए, और सम सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर द सेम। सो गुड, सम गुड न्यूज इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। इन केस यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज ऑफ जॉब, यू विल श्योरली गेट दैट न्यू जॉब। और अगर फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस की कोई इशू नहीं है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स आप पर हैं। आपने इतना एफर्ट किया है, इतना आपने स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल अब खत्म हो गया है। आपका कमिंग वीक फाइनेंसिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द ज़ोडियक साइंस। और बेसिक टिप मैं पाइसिस के लिए बोलूंगी कि अपने जो ग्रीन, अपना जो नॉर्थ वॉल है उसको ग्रीन कलर से या तो पेंट करें या फिर ग्रीन कलर के प्लांट्स वहां पर रखें, ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई थिंक सारे ज़ोडियक साइंस की मैंने डिस्कस कर लिया है। द रेमेडीज जो एस्ट्रो टिप्स दिया हैं, दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव एंड अबव ऑल वेरी पॉकेट फ्रेंडली। सो आप इनको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको किससे कितना बेनिफिट हुआ, आपने कैसे इनको किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई रेमेडी करने में, तो प्लीज़ डोंट फील शाई टू, डोंट फील यू नो, फील फ्री टू शेयर योर प्रॉब्लम्स। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड
keep sharing, keep liking, and keep motivating us. Thank you.